कहते हैं ग्लैमरस लाइफ के पीछे एक काली दुनिया है जिसका नाम है कास्टिंग काउच। हर एक हीरोइन को कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ता है फिल्मी दुनिया में। इसको लेकर ही कई हीरोइनों ने खुलकर बोला है, लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके विरोध में पिछले कुछ समय से कास्टिंग काउच का मुद्दा गर्मा गया है। इस साल की शुरुआत में साउथ की स्ट्रगलिंग फिल्म एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था, साथ ही टॉपलेस होकर कास्टिंग काउच के खिलाफ अपना विरोध भी जताया था। तो वही एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसके चलते वो सुर्खियों में बनी हुई है। श्री ने कास्टिंग काउच में शामिल कई नामचीन लोगों के नामों का खुलासा किया था, लेकिन अब श्री ने जिस शख्सियत पर निशाना साधा है उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान मानते हैं, वो है सचिन तेंदुलकर। रेड्डी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि एक रोमांटिक शख्स जिसे सचिन तेंदुलकर पुकारते हैं, जब हैदराबाद आया तो एक चार्मिंग लड़की ने उसके साथ रोमांस किया। श्री ने अपने पोस्ट में जिस चार्मिंग गर्ल की बात की है उसे तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस चार्मी कौर से जोड़ा जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन फेसबुक पर यह पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।